मच अवेटेड सीरीज आश्रम 3 में बॉबी देओल संग काम करने पर ईशा ने कहा कि मैं गुप्त बादल जैसी फिल्में देखकर बड़ी हुई हूं, मुझे लगता है कि उस वक्त मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि ये ना समझ पाऊं कि ये मेरा क्रश है। आश्रम सीरीज को लेकर हुए विवाद के बाद इस बार सीरीज का नाम बदलकर एक बदनाम आश्रम कर दिया गया। विवाद पर डायरेक्टर प्रकाश झा ने कहा कि जो गलत दिशा में हैं, भ्रमित हैं, वो जरूर बोलेंगे। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम 3 रिलीज हो चुकी है। 3 सीजन में इसके कुल 28 एपिसोड आए हैं और भारत में ज्यादा से ज्यादा एपिसोड और सीजन वाली सीरीज बन रही है। हालांकि दूसरे देशों में ट्रेंड पिछले कई सालों से जारी है। फिल्म सालार में प्रभास लीन लुक में नजर आए, इसलिए डायरेक्टर प्रशांत ने प्रभास को वजन कम करने की शर्त रखी, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग पर फिलहाल ब्रेक लग गया। उत्तर प्रदेश के बाद अब पृथ्वीराज फिल्म को मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दिया गया। इस बात की अनाउंसमेंट एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की है। बॉलीवुड के बड़े अवार्ड फंक्शन आईफा का आगाज हो गया है। फराह ने बताया कि इस बार आईफा में बप्पी लहरी और केके को ट्रिब्यूट दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि किसी न किसी तरह से हम उन्हें आईफा में ट्रिब्यूट देंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर अपने पति आनंद आहूजा के साथ बेबी मून के लिए निकल गई हैं। हाल ही में उन्होंने एक फोटो और वीडियो शेयर की है जिसमें वो लाइम ग्रीन कलर की मैक्सी ड्रेस में नजर आ रही हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने अपने फिल्म के सीन से अपनी एक फोटो शेयर की है और फैंस के साथ ये फोटो शेयर करने को लेकर अब अक्षय को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। यूजर्स बोले कि चाय पीने के लिए रस्सी थोड़ी ढीली छोड़ी है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड के लिए बॉलीवुड सेलेब्स अब अबू धाबी पहुंचने लगे हैं। सेरेमनी में सलमान खान, कार्तिक आर्यन और कई सेलेब्स के परफॉर्म करने की उम्मीद है। वहीं मेन इवेंट 4 जून को होगा। फैंस को ऐश्वर्या के लुक्स इन दिनों खासा पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐश्वर्या को उनके कॉन्स लुक्स के लिए तो ट्रॉल किया ही गया था, लेकिन अब एक्ट्रेस मुंबई के एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने पहुंची थी, लेकिन उनके फैंस को ऐश्वर्या का ये लुक भी पसंद नहीं आया।